हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सौरभ एकेडमी में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार एसएससी 2023 इंटर लेवल के सिलेबस को। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि बिहार एसएससी 2023 इंटर लेवल में क्या क्या एज है, किस एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, बिहार सरकार के द्वारा टोटल वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, और उसमें हमने देखा था फीस स्ट्रक्चर, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और उसकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके मार्क्स कितने हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स को हमने देखा था। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के सिलेबस को देखेंगे। हम मैंने सिलेबस बताया था क्या क्या था, मोटे मोटे हेडिंग बताया था हमने कि सामान्य अध्ययन पूछा था, पहला सामान्य अध्ययन था हमारे पास, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित था और तीसरा हमारा था मानसिक क्षमता जाँच, जिसे कि पूरा एलोबरेट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पूछेगा और मानसिक क्षमता जांच में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समसामयिक घटनाएं पूछेगा, जो भी घटना यानी कि करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछेगा। करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछेगा, वैज्ञानिक प्रगति जैसे कि चंद्रयान 3 अभी गया और भी बहुत सारे, अमेरिका से गया, जहाँ से भी गया, रूस का गया जो फेल हुआ, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति में चंद्रयान 3, जो चांद को उतरा, शिव शक्ति, वो सब के बारे में पूछ सकता है। और उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि राष्ट्रीय में भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, इन सब के बारे में, पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार और भी ढेर सारे पुरस्कार उनमें पूछ सकता है। भारत की भाषाएं, पता है कि भारत की भाषाएं हैं टोटल 22 भाषाएं, उनके बारे में कुछ पूछ सकता है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक जिसे कोई पुरस्कार मिला हो, अंतर्राष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो, किसी भी भाषा में पुरस्कार मिला हो, उसके बारे में पूछ सकता है। और लिपि के बारे में, हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि और भी जितने लिपि हैं उसमें जो वो भाषाएं आती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। राजधानी में क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि अभी G20 हुआ था, G20 में कितने देश आते हैं, उनकी राजधानी के बारे में ये पूछ सकता है, उनकी मुद्रा के बारे में पूछ सकता है क्योंकि वो अभी हाल में हुआ है और वो समसामयिक घटना है, करंट अफेयर्स है, तो वहाँ की राजधानी के बारे में ये आपसे पूछ सकता है, मुद्रा के बारे में पूछ सकता है, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री किस देश गए थे, वहाँ की राजधानी मुद्रा, हमारे राष्ट्रपति जहाँ गए थे वहाँ की राजधानी मुद्रा को पूछा जा सकता है। और खेल खिलाड़ी, कौन सा गेम हुआ अभी फिलहाल, क्रिकेट में, ओलंपिक में, चाहे जो भी जितने भी सारे गेम्स हुए हैं उनके बारे में, भारत की तरफ से कितने मेडल जीते गए, या फिर भारत एशिया कप जो हुआ हाल ही में उसके बारे में, जो भी गेम है सारे गेम्स के बारे में पूछा जा सकता है कुछ भी। और गेम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछा जा सकता है। और महत्वपूर्ण घटनाएं, कोई भी घटना जो महत्वपूर्ण हो उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है सामान्य अध्याय में क्या है, हमारे पास भारत और उसके पड़ोसी देश जो जो भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब भारत पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान भी जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर से टच करता है, वो सब भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में, उनके देश के इतिहास के बारे में पूछेगा। बांग्लादेश का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है और श्रीलंका का इतिहास भी भारत से जुड़ा हुआ है, सारे देशों का जो हमारे पड़ोसी देश है उनका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद भारत का इतिहास पूछेगा, भारत का इतिहास आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों आता है, उसके बारे में पूछेगा। भारत के इतिहास के बाद पूछेगा संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। भूगोल से क्वेश्चन आएगा, भूगोल को पता है ये भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों भूगोल से क्वेश्चन आ सकता है। आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन आ सकता है, RBI से, चाहे फिर रेपो रेट हुआ, CRR हुआ, SLR हुआ, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो 1857 हुआ था और उसके बाद जो कंटिन्यू आंदोलन चलता रहा, उसके पहले जो आंदोलन चलता रहा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारत कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता है उसके बारे में पूछेगा, जो कृषि है किस कौन कौन से मिट्टी पे होता है, क्या क्या होता है, उन सब के बारे में पूछेगा। और क्या क्या व्यवस्था है किनारे जो भी उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद आता है देश की राजनीतिक प्रणाली, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान के बारे में पूछेगा। भारत संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, सबको पता है। और उसके बारे में जो राज्य व्यवस्था, जितने आर्टिकल्स हैं, जितने भाग हैं, 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियाँ, सारे सब कुछ के बारे में इसमें पूछेगा। और देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है, संघात्मक प्रणाली है और भी राजनीतिक के बारे में भी पूछ सकता है, कितनी राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं
और पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी, नागौर से हुई थी, वो सब चीजें पूछेगा। पंचायती राज में पंचायती राज के बाद सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कितनी पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना, सारे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ सकता है और पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या क्या है वो पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को कब बंद किया गया, उसकी जगह कौन सी योजना आई, नीति आयोग आया, कौन सा आयोग आया, नीचे वो पूछेगा। और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था, जैसे कि हम सबसे जबड़ा नाम सुनते हैं कुंवर सिंह का, जो कि आरा से थे, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था और भी लोगों का योगदान था, उसके बारे में बिहार से पूछेगा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या है। सामान्य अध्ययन में इतना ही पूछेगा, इसके अलावा सामान्य अध्ययन में कुछ नहीं पूछेगा आपको। सामान्य अध्ययन में सिर्फ इतना इतना पढ़ना है और करंट अफेयर्स में ये, और भारत का इतिहास, पड़ोसी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ये सब पूछेगा सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन के बाद हम बढ़ेंगे, दूसरा हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं गणित। सामान्य विज्ञान एवं गणित, सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान देखते हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप लोगों को पता है, जिसे हम भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो हमसे भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पूछेगा। और सिलेबस में बिहार एसएससी के नोटिफिकेशन में भूगोल को भी साइंस में ऐड किया है और भूगोल को आपके सामान्य अध्ययन में भी ऐड किया है। तो दोनों जगह भूगोल ऐड है, तो भूगोल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो आप भूगोल पढ़िएगा। जो भारत की नदियां हैं, जो भारत, पाकिस्तान और भी पड़ोसी देशों से बहती हैं, प्रमुख देश कौन, पश्चिम दिशा में बहती है, कौन पूर्व दिशा में बहती है नदी, और कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी रेखा है, विषुवत रेखा, सब पढ़ना आपको इसमें, देशांतर और समांतर सब कुछ भूगोल पढ़ना है, और भारत की कितने सीमाओं से देश लगता है, ये सारी चीजें आपको भूगोल में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आते हैं गणित, गणित यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमसे क्या पूछेगा, संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न, यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद पूर्ण संख्याओं का विकलन, ये भी संख्या पद्धति का ही है, होल नंबर के बारे में पूछाएगा, होल नंबर से रिलेटेड, होल नंबर भी संख्या पद्धति में आ जाता है। और दशमलव और भिन्न, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में पूछेगा, बहुत ही आसान है। और उसके बाद संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, संख्याओं के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद मुख्य मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, यानी कि जो अंकगणितीय संक्रियाएं होती हैं, या फिर 5^11 इंटू 5^12 इंटू ये सब वगैरह क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब क्वेश्चन जो गणितीय क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद प्रतिशत, परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन आपको पता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, अनुपात अनुपात के क्वेश्चन, औसत के क्वेश्चन पूछेगा, ब्याज के क्वेश्चन, यानी कि साधारण ब्याज, ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आता है। और उसके बाद लाभ और हानि के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान सा है। इसका मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिलेक्शन कितना आसान है आपके लिए, बहुत ही आसान सिलेक्शन है। आपको बस मेहनत करना है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको दिन में 3 से 4 घंटे पढ़िएगा, बहुत होगा, बहुत लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 8 घंटे 10 घंटे, वैसा कुछ नहीं है। एक घंटे 3 घंटे और 1 घंटे मॉक टेस्ट, 1 घंटे नहीं 2 घंटे 15 मिनट का है, तो अभी मॉक टेस्ट देना, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, अगर पढ़ाई नहीं किया तो मॉक टेस्ट को होल्ड पे रखेंगे, पहले कोर्स को कम्प्लीट करेंगे उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोर्स कम्प्लीट करेंगे और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो अब उसके बाद हमारा तीसरा आता है मानसिक क्षमता जांच, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, मानसिक क्षमता जांच में सदृश आएगा, समानता एवं भिन्नता, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आएगा, स्थान कल्पना आएगा, उसके बाद समस्या समाधान जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसे हम देखेंगे, फिर विश्लेषण, फिर उसके बाद दृश्य स्मृति और विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, संबंध अवधारणा यानी कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो सकता है, और उसके बाद अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय जो बॉक्स बॉक्स में बना के देता है, त्रिभुज बना के देता है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 या फिर कोई भी और नंबर में कोई भी सीरीज प्लस ऐड करके, माइनस करके, डिवाइड करके, कुछ भी करके जो सीरीज बनती है वो श्रृंखला हो सकता है। कूट लेखन एवं कूट व्याख्या यानी कि कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछेगा मानसिक क्षमता जांच में। तो यह रहा आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का सिलेबस, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन में निकाला गया है, और ये बहुत ही आसान सिलेबस है, और ये आपको बहुत ही अच्छा मौका है नौकरी पाने का। टोटल 12,199 पोस्ट है, जो कि आप
अगर पढ़ते हैं तो ये आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक जॉब को अपने हाथ में लेने का, उसके बाद आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या क्या है और पढ़ाई कैसे करनी है। पढ़ाई बहुत आसान तरीके से एक घंटा 3 घंटे ही पढ़ना है मैक्सिमम, 3 घंटे पढ़ सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 3 घंटा पढ़िएगा तभी आपके सिलेक्शन हो जाएगा। मन से पढ़ना है 3 घंटा, मतलब 3 घंटा मोबाइल भी चला रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, वैसा पढ़ाई नहीं करना है। 3 घंटा मतलब कि एकदम शांत होके मन लगा के सिर्फ फोकस ऑन योर गोल एंड अचीव योर टारगेट, ये होना चाहिए। गोल पे अगर फोकस नहीं होगा तो आपका टारगेट कभी भी अचीव नहीं हो सकता, इसलिए फोकस ऑन योर गोल एंड अचीव योर टारगेट, इस बात को हमेशा याद रखिए। और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, क्योंकि आप पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि आपका एक सरकारी नौकरी लगे, सिलेक्शन हो और आपके घर वाले यानी कि माता पिता खुश हों और आप भी खुश हों एक नौकरी को लेकर। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम मैथमेटिक्स के अलावा भी रीजनिंग के और जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके सामने लेकर आऊँगा, और उसके बाद सारा सिलेबस जितना सिलेबस आपके सामने लिखाया गया है सारे सिलेबस को मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने में सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप एग्जाम के प्रिपरेशन, उसके बाद अगर आप फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ साथ। सबसे पहले हम मैथ स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, मिनिमम 3 घंटा पढ़ना है आपको और चैप्टर कंप्लीट। अगर क्लास कर रहा है तो क्लास के साथ आप 1-2 घंटे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि क्लास करने में आपका 2 घंटा चला जाएगा, इसलिए मिनिमम 3 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और मैक्सिमम आप कितना ही पढ़ लीजिए 6-7-8 घंटे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 घंटे तो पढ़ना कंपलसरी। अगर उससे आप कम पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। क्या है मुश्किल? तो किसी भी चीज़ को मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, आप आसान करिए, 3 घंटे रेगुलर, 3 से 4 घंटे रेगुलर करिए और आपका सिलेक्शन पक्का और आपके हाथ में एक नौकरी पक्की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।